हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मंगल की पोजीशन सेकंड हाउस में मेष लग्न के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने मंगल जो लग्नेश है उसकी पोजीशन फर्स्ट हाउस में देखी थी। अगर आपने वही वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। आज बात करेंगे मंगल की पोजीशन सेकेंड भाव में। आगे बढ़ने से पहले मैं, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक जनरल प्रेडिक्शन है। इसमें हमने मंगल की, इसमें हमने दूसरे भाव पे कोई भी युति नहीं बताई गई है, कोई भी दृष्टि नहीं कंसिडर की है, और किस नक्षत्र में है और कौन से सब लॉर्ड में, ये हमने कंसिडर नहीं किया है। इसलिए एक बहुत जनरल प्रेडिक्शन है। मंगल इस कुंडली में लग्नेश बनते हैं, एरियस असेंडेंट में जो भी मेष लग्न है उस कुंडली में असेंडेंट बनते हैं, लग्न के स्वामी बनते हैं, अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। सेकंड हाउस क्या होता है? सेकंड हाउस होता है हमारे हमारे जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसको दिखाता है, हमारी फैमिली को दिखाता है, हमारे क्लोज रिलेटिव्स को दिखाता है, यंगर सिबलिंग्स को दिखाता है, हमारे छोटे भाई बहनों को दिखाता है। और इसके बाद हमारी जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है उसको मंगल दिखाता है। इसमें अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो मंगल हमारे लोअर फेस को भी दिखाता है, मतलब इसे नेक को भी दिखाता है, थ्रोट को दिखाता है, ये हमारी स्पीच का भाव भी होता है, और ये हमारी टीथ टंग्स को भी दिखाता है, और ये हमें ये दिखाता है कि आपका बचपन कैसा गुजरा होगा। ये भी अगर हमें जज करना है तो ये हम सेकेंड भाव से जज करेंगे। और सेकेंड हाउस से हम नॉलेज भी देखते हैं इंसान की, लैंग्वेजेस के बारे में, नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस। और ऑलरेडी हम बता चुके हैं, क्लोज रिलेटिव्स को दिखाता है हमारे, और छोटे भाई बहनों को भी दिखाता है, और ये हमारी, देखिए ये हमारी टेस्ट का भाव भी होता है। तो इससे हम इंसान को बता सकते हैं कि इंसान को कैसा खाना पसंद होगा, मीठा पसंद होगा या स्पाइसी पसंद होगा, कहीं उसको कुछ बुरी हैबिट तो नहीं है, अगर सेकंड भाव से हम ये सब बता सकते हैं। तो अगर हम देखें कि लगने जाके सेकंड भाव में, तो ये आपको क्योंकि मंगल एक थोड़ा हार्श प्लेनेट है तो ये सेकंड भाव में थोड़ा सा स्पीच को हार्श बना देता है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा आपको। आपके आपको मतलब फैमिली की तरफ आपका काफ़ी, मतलब आप अपनी फैमिली से काफ़ी क्लोज होंगे, इन द सेंस कि आपको अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा केयर होगी, एक फैमिली में अच्छी इमेज होगी आपकी, आपके पास काफ़ी अच्छी वेल्थ होगी। अब इस इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर हम देखें तो आपके यंगर आपके जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनसे आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा। मंगल जो चौथे दृष्टि डालेगा पंचम भाव में, आपको लव अफेयर्स में, आपको आपका लेकिन लव अफेयर्स में तो आपको कामयाबी ज़रूर दे देगा, बट ये क्या होता है कि क्योंकि पंचम भाव हमारे बुद्धि का भाव भी होता है, थोड़ा गुस्सा बना देता है, क्योंकि बुद्धि में थोड़ा गुस्सा, मतलब हमारे माइंड के अंदर थोड़ा गुस्सा बढ़ देता है, लेकिन दूसरी चीज़ हमारी स्पीच अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। अगर हम ये चीज़ दो चीज़ें कंट्रोल कर लें, अगर हम अपना बोलना ठीक कर लें और अपने गुस्सा करना कम कर दें, तो मंगल सेकेंड हाउस में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मंगल ऑलरेडी में, अगर मंगल की नेक्स्ट दृष्टि आती है अष्टम भाव में, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पढ़ने के कारण, क्योंकि मंगल का अपना घर है, तो इसके रिगार्डिंग आपको जो नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे उसमें कमी कर देगा, जैसे कि आपको ऑब्स्टेकल्स कम कर देगा, आपकी मेंटल टेंशन कम कर देगा, आपके काम आसानी से हो जाएंगे। एक्सीडेंट्स का घर भी यही होता है, तो ये एक्सीडेंट होने के चांसेस को कम कर देगा। उसके बाद नवम भाव में देखें, नवम भाव होता है भाग्य भाव, क्योंकि लग्नेश खुद जाके नवम भाव को देख रहा है, तो इस भाव को बढ़ाएगा, आपका भाग्य बहुत अच्छा, आपका साथ देने वाला होगा, आपकी धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि होगी, और आपके फादर के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे ये। और आपको ये हो सकता है कि आपको कई बार मतलब फॉरेन ट्रिप्स के लिए जाना होगा, लेकिन रहेंगे तो आप घर के पास, क्योंकि असेंडेंट के पास ही दूसरा घर, मतलब जस्ट बगल में मंगल है, मतलब आपने खुद को उठा के अपने घर पे रख दिया, तो अब हो सकता है जॉब वॉब के लिए भी आपको आपके आसपास ही, आपके घर के रीजन के आसपास ही जॉब मिल जाए। ये मंगल के रिजल्ट्स होंगे सेकंड भाव में एरीज असेंडेंट के लिए। लेकिन इसमें आपको कंसिडर करना होगा नक्षत्र और सब लॉर्ड, जो कि डिफाइन करेंगे कि आपका मंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता कि आपका मंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो है तो आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा हर चीज़ के रिगार्डिंग। अगर नेगेटिव है तो फिर ये आपको ख़राब रिजल्ट देगा, आपकी स्पीच को ऐसा बना देगा कि आप अपने काम खुद अपने बोलने के कारण ख़राब कर देंगे। तो अगर आपको नहीं पता कि आपका मंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा कि आपका मंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
और उससे आप बाकी चीज़ें जज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन है एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।